सागर में दलित युवती की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से हर संभव मदद का वादा किया। सीएम ने मृतक अंजना के परिजनों को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता और बरौदिया नौनागिरी में पुलिस चौकी खोलने का ऐलान भी किया। सागर जिले के बरौदिया नौनागिर मामले में राजनीति गरमाई हुई है। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतका अंजना अहिरवार के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसी घटना ना हो, हम सभी इसका प्रयास करेंगे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। यहाँ पर बार बार घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन भी करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। परिवार के बड़े बूढ़ों को भी विश्वास में लिया जाएगा। इस मामले में हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसी दुखद घटना पर राजनीति ना करे। बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।